क्यूज एब्रा पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल शेप को बना सकते हैं और उसमें कैसे हम एनिमेशन का प्रयोग करेंगे। स्लाइडेड टूल्स के बारे में आज हम सीखेंगे। तो जेब्रा क्लासिक में जो हमारा स्लाइडेड टूल्स होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डायनेमिक टूल्स होता है। और स्लाइडर असल में होता क्या है कि हमारे जो भी ज्योमेट्री से संबंधित एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी होते हैं उनको ये डायनेमिक बनाता है, और साथ में किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज और विजुलाइज करने में हमें सहायता प्रदान करता है। तो आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए एक उदाहरण लेते हैं रेगुलर पॉलीगन्स, जिसमें हम 20 साइज के करीब पॉलीगन्स बनाएंगे। और अगर हम ये पॉलीगन्स को ब्लैकबोर्ड में बनाते हैं तो हमें बहुत समय लगता है, और इनको कभी कभी तो हम ब्लैकबोर्ड में बना ही नहीं पाते, और साथ में एनिमेशन के द्वारा उनको ब्लैकबोर्ड में नहीं समझाया जा सकता। तो जियोजेब्रा क्लासिक हमारी इस कार्य में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है इसे डायनेमिक बनाने में। तो अब इसे हम प्रयोग कैसे करेंगे, तो अब हम यहाँ पे सीखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ग्राफिक जो विंडो है, इसमें हमें ग्राफिक विंडो की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सिस पहले हटाएंगे, फिर हमें ये ग्रिड की भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको नो ग्रिड कर देंगे। अब हम सबसे पहले एक सेगमेंट्स बनाते हैं और उसको गिवन लेंथ देंगे। तो यहाँ पे एक सेगमेंट्स बनाया हमने ए, इसको हम 3 यूनिट्स दे देते हैं और ओके कर देते हैं। तो आपने देखा कि हमारा ए से लेके बी तक 3 यूनिट्स बन गया है। अब हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे स्लाइडर का। तो जैसे हम स्लाइडर को क्लिक करेंगे और कहीं पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइडर के ऑप्शन आ जाएंगे। तो उसमें डिफॉल्ट नंबर भी ले सकते हैं, एंगल भी ले सकते हैं और इंटीजर्स भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंटीजर ले लिया n बराबर 1, n की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 डिफाइन करी है। यहाँ पे इंटरवल भी आ रहा है 1 मिनट, मैक्सिमम 30 यहाँ पे पॉलीगन्स बनेंगे, तो हम इसको 30 की बजाय 20 कर देते हैं, और इंक्रीमेंट मतलब एक के बाद एक बनेंगे। स्लाइडर यहाँ पे फिक्स्ड और रैंडम दे रखा, हॉरिजेंटल हम इसको वही रहने देते हैं। एनिमेशन में स्पीड 1 होगी एक के बाद एक। रिपीट ऑसिलेशन दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इसको इंक्रीजिंग में कर देंगे, ना तो ये रिपीट होता जाएगा। तो आपने देखा कि आपने स्लाइडर का प्रॉपर्टीज यहाँ पर पूरी भर दी है, अब ओके कर लेंगे। तो ये स्लाइडर हमारा यहाँ पे बनकर आ गया। इस स्लाइडर को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर पॉलीगन्स को ले लेते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स को सिलेक्ट करेंगे। पहले ए पॉइंट को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे बी को क्लिक करेंगे। तो ये पूछेगा कितने वर्टिक्स का बनाना, हम इसे किसी भी वर्टिक्स का ना बना के एन के आधार पर बनाएंगे, क्योंकि हमने एन डिफाइन किया एक, क्योंकि हमें बहुत सारे पॉलीगन्स चाहिए, तो इसलिए हमने एन कर दिया इसको, और यहाँ पर हमने ओके कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि जैसे हम एन को इस स्लाइडर को मूव करेंगे तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे पॉलीगन्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे आप एन को यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखो 2 से कोई पॉलीगन नहीं बनता, 3 से बनना शुरू होता है। तो सबसे पहले ये एक ट्रायंगल के रूप में बनेगा जिसकी 3 साइड्स आर इक्वल है, इसको इक्वलेटर ट्रायंगल कहते हैं। फिर इसको हम आगे मूव करेंगे तो ये 4th बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसको आगे करेंगे 5th में ले जाएंगे तो ये पेंटागन बन जाएगा। इसी प्रकार ये आगे 6, 7, 8, 9, 10 आप देख रहे हैं कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और हमने 20 तक रखा था, तो 20 में जाके ये जितना भी हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये एक स्क्वायर बन रहा है। अब समस्या ये आती है कि हमारे स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी कट गया है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर उसी टूल में जाके इसके बगल वाला जो टूल है मूव टूल, इसमें जाके हम जूम आउट या जूम इन को ऑप्शन को लेंगे। तो जूम आउट हम ले लेंगे और यहाँ से हम देखेंगे इसको हम कम करेंगे जूम, तो हमारा ये पूरा सर्कल के रूप में दिखाई देगा, ये देखिए। तो इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं, वैसे ये फिक्स होगा, तो इसको हम मूव भी कर सकते हैं वैसे, तो
जूम इन जूम आउट्स में आप देख रहे हैं कि हमारा को कैसा दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि हमारी जितनी भी फिगर है वो किस प्रकार हमें दिखाई देती है अगर हम उसको एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से भी हम इसको मूव करा सकते हैं, इस तरह मूव होगा ये साइड में। अगर हम मूव कराएं तो आपने देखा कि इसमें एक पॉइंट फिक्स है और ये इधर को भी मूव कर रहा है। इसको अगर हम स्टॉप कर दें और इधर से मूव कराएं तो इधर से भी ये फिर दोबारा से मूव ऑटोमेटिक कर रहा है। देखिए, तो है ना एक शानदार एक्टिविटी जिसका हम प्रयोग स्लाइडर के माध्यम से करते हैं। तो ये स्लाइडर टूल हमारे को जो मैथ्स को समझने में एक डायनेमिक के रूप में कार्य करता है।